नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार 1 अप्रैल से गेहूं की जो आवक है जोरों पर है। लगातार किसान अपने खेतों से गेहूं काटकर मंडी में पहुंचा रहा है, और मंडी में अगर भाव की बात की जाए और आवक की बात की जाए तो हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी और मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी साथ में है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह मंडी में सरसों की गेहूं की आवक हो रही है और किस तरह गेहूं के भाव हैं। सर, मार्केट टाइम टीवी में पहले तो आपका स्वागत है, बताइए कितनी आवक हो रही है गेहूं की और कितने भाव हैं? हमारे यहाँ 1 तारीख के बाद आवक ने जोर पकड़ा है, उससे पूर्व छुटपुट आवक हो रही थी। वर्तमान में हमारे यहाँ 20 से 25 हजार कट्टे आज आवक है। क्वालिटी इस बार पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी क्वालिटी है। भाव भी अलवर में 2200 से लेके 2200-2300 तक के भाव हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर ये भाव इससे नीचे नहीं गया तो सरकार के बजाय किसान मंडियों में लाकर माल बेचकर खुश होगा, क्योंकि किसान को मंडियों में तुरंत तोल पैसा और उसे तसल्ली होती है, क्योंकि उसका ऑक्शन पे जब माल बिकता है तो उसे जो किस्म होती है उसका पैसा उसे मिलता है, इसलिए वो मंडी में लाकर खुश है। इससे नीचे जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर आवक कम हो जाएगी और किसान सरकारी खरीदों पर जाने को लालायित रहेगा। अभी अगर मार्केट या फिर मंडी में बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक भी किया जा रहा है, व्यापारी भी जा रहा है गेहूँ का? स्टॉकिस्ट इसमें आना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी इस बार स्टॉकिस्ट कुछ केंद्र सरकार की नीतियाँ की वजह से कुछ डरा हुआ है, इसलिए खुलकर स्टॉक नहीं कर रहा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा हर शुक्रवार को गेहूँ का स्टॉक का विवरण ईमेल पर देना और अन्य भय स्टॉकिस्ट को है कि मैंने अगर माल इकट्ठा कर लिया, स्टॉक कर लिया, किसी प्रकार से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट लगा दी गई तो हमें अचानक माल बेचना पड़ेगा और घाटे की सौदा हो जाएगा, इसलिए स्टॉकिस्ट दिलचस्पी ज्यादा नहीं ले गए। तो अभी जो गेहूं की अपन बात करें तो पूरे देश और प्रदेश में कितना उत्पादन गेहूं का हम मानते हैं? इस बार मैं समझता हूँ कि गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम नहीं है, 10-5 से 20-10-1 लाख टन जो भी है ज्यादा ही होगा, और भाव भी पिछले साल के मुकाबले अच्छे हैं। तो अभी अगर भावों की बात की जाए तो कुछ उतार चढ़ाव नजर आ रहा है या सेम भाव चल रहा है? यही बाजार सेम बाजार चलेगा, इससे नीचे जाने पर मंडियों में आवक कम होने की उम्मीद है। आगे कुछ लग रहा है कि भाव में बढ़ोतरी का कुछ भविष्य गेहूं का अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो गेहूं का केंद्रीय पूल का स्टॉक है वो काफी कम हो गया है, और फौरन में भी ये गेहूं का भाव कोई ज्यादा नीचे नहीं है। मैं समझता हूँ कि गेहूं आगे आगामी दिनों में दिन पे दिन तेज रहेगा। अभी अगर MSP की अपन बात की जाए तो क्या लगता है आपको? MSP गवर्नमेंट ने बोनस सहित 2400 रुपये दिया है, मैं और अभी सरकारी केंद्रों पर किसान भरपूर तरीके से नहीं जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर 2300 के आसपास गेहूं बिकेगा तो 2400 में गेहूं तोलने नहीं जाए। तो अभी जैसे किसान कारण क्या मानते हैं कि सरकारी गेहूं खरीद पर क्यों नहीं जा पा रहा? मैंने अभी आपको बताया ना कि 150 रुपये की वजह से किसान सरकारी केंद्रों पर नहीं जाता। सरकारी केंद्रों की एक अपने सिस्टम माल तुलाने भुगतान की एक अलग होती है, मंडियों का सिस्टम एक अलग होता है, क्योंकि मंडियों में वो व्यापारियों से पूरे 12 महीने जुड़ा रहता है, इसलिए वो मंडियों में पहले लाता है। भाव ज्यादा अंतर होता है तो वो सरकारी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर माल बेचने जाता है। तो अभी गेहूं की क्वालिटी की बात की जाए तो कैसा क्वालिटी? अच्छी क्वालिटी है इस बार। अच्छा, तो अभी कोई मॉइस्चर वगैरह ऐसा कुछ? कोई मॉइस्चर अब दिन पे दिन मॉइस्चर का कोई नहीं है, और गेहूं खाने योग्य आ रहा है, और अच्छा गेहूं सारी राजस्थान की मंडियों में आ रहा है, और मैं समझता हूं कि भाव भी सारी मंडियों में स्थिर है। हमारे साथ में यहाँ के मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी मौजूद थे, उन्होंने हमको बताया कि मंडी के अंदर लगातार जो गेहूं की आवक है जोरों पर है। साथ में अभी तक मंडी के अंदर सरसों आ रही थी, फिर उसके बाद में जौ आई, फिर उसके बाद में चना आया, और अब गेहूं की जो आवक है वो भी जोरों पर है। लगातार मार्केट टाइम टीवी की जो टीम है देश और प्रदेश की मंडियों में जाकर लगातार अपने दर्शकों को मंडी के जो प्रत्येक जिन्स के बारे में जो भाव है और उसका जो मंडी में आवक है उसके बारे में अपने दर्शकों को रूबरू करा रहा है। लेकिन अलवर मंडी के अंदर लगातार इस समय जो गेहूं की आवक है उसको लेकर आज हम मंडी में पहुंचे थे, और मंडी के बारे में हमने यहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे पूरी जानकारी ली थी। नितिन शर्मा, अलवर।